तो मोदी मेथड मतलब मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसका नाम है। ओके, ए ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए किया जाता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है मोदी मेथड का यूज। ओके, सेकंड थिंग, ये हम तब लगाते हैं जब हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ जाए। अब ये कैसे आएगा, हमने पीछे का तीन मेथड पढ़ा था, तो उनमें से किसी एक मेथड को पकड़ना है, चल जाना है। मैं सजेस्ट करूंगा वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड ये आप यूज करना। ओके, तो वहां से आपके पास कुछ वेरिएबल जैसे आ गए थे ना, तो मान लीजिए कि आपका ए ए ए कुछ बेसिक वेरिएबल आ गया, ठीक है। अब यहां से हम कुछ एजम्पशन करेंगे, उन एजम्पशन के बेस पे हम आगे चलेंगे। तो मैं थोड़ा सा आगे दिखा दे रहा हूँ, लिखना कम पड़े। ओके, तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कुछ सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने असाइन किया हुआ, यहाँ पे असाइन किया हुआ, यहाँ पे असाइन किया हुआ, यहाँ पे असाइन किया हुआ, ठीक है। इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं करवा देता हूँ, तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से नोट डाउन कर ले रहा हूँ। एग्जाम में जब भी ऑप्टिमल की बात करें, आप वोजल्स मेथड लेना, उससे क्या होगा, आप क्विकली करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। हम बैलेंस कैसे चेक कर रहे थे, इसका सम और इसका सम, इसका सम कितना आ रहा है 43, और इधर से सम करेंगे तो ये भी 43 आएगा, मतलब ये बैलेंस्ड है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखा हुआ तो मैं ज्यादा इस पे टाइम नहीं लूंगा। हमने मान लिया कि हमें ए सॉल्यूशन पता है, ठीक है, हमें ए सॉल्यूशन पता है कि इसका जो भी हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला था वो क्या होगा, तो कुछ होगा, ठीक है। वो क्या होगा, यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ, तो इसको मैं नोट कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में पहले मेथोडोलॉजी समझ लेते हैं एक बार। आपको यूवी असाइन करना होता है, ठीक है, और कुछ डेलाइज होता है। आप कैसे करेंगे इसमें फर्दर, इसको जैसे हमने रो और कॉलम समझा था कल, ठीक है, कि ये हमारा रो काम कर रहा था इधर और इधर कॉलम था, तो इसको आप E1 असाइन कर देंगे, इसको E2, इसको E3, ओके, ऊपर V1, V2, V3 एंड V4, इस टाइप से हमें असाइन करना है UV, ठीक है। इसको कभी कभी UV मेथड भी नाम दे देता है, तो ये आप ध्यान रखना, उसमें कभी कभी पूछ देना यूजिंग UV मेथड, मतलब इसी मेथड की बात कर रहे हैं। इसमें सिंपल क्या करना, ऐसे एलोकेट कर दिए। अब यहां से दो होगा, हमने क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पे इसको 6 एलोकेट किया था, यहाँ पे 10 एलोकेट किया था, ये ऑक्यूपाइड सेल है, ठीक है, मतलब हमें जो वो तीनों मेथड पढ़े थे वहां से हमने इसको सोल्व करके निकाला था, ये हमारा कुछ न कुछ आ गया था, तो यहां से हमें आंसर पता है। अब हम ऑप्टिमल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ना हमें क्या करना है, ऑक्यूपाइड सेल हमने देख लिया, ऑक्यूपाइड सेल जो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ये ऑक्यूपाइड सेल हो गए, तो हम यहाँ से दो तरह से काम करेंगे, ठीक है, पहले ऑक्यूपाइड सेल और नॉन ऑक्यूपाइड सेल देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूवी का एक कलेक्शन बनाएंगे, यहाँ पे यूवी लिख दे, यू क्या था, ये रोज थे, ठीक है, और ये वी क्या थे, कॉलम, तो कुछ आप ऐसे ले लेंगे, ओके, ठीक है। तो ये जो आपका ऑक्यूपाइड सेल है, ऑक्यूपाइड सेल के लिए आप एक रिलेशन बनाएंगे, UI प्लस VJ इक्वल टू CIJ। अब CIJ क्या है, कॉस्ट है, कॉस्ट कौन सा, ये 21 वाला, तो ये आपका यहाँ पे ऑक्यूपाइड, जो ऑक्यूपाइड है उसके लिए हम यहाँ पे जैसे यहाँ 17 दिया हुआ है, तो यहाँ पे V1 प्लस U2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 17, ठीक है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे वर्क करना है, ये हो गया ऑक्यूपाइड के लिए। और नॉन ऑक्यूपाइड के लिए क्या करेंगे, हम नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए हमें एक डेल आईजे बनाना होगा, डेल आईजे मान लीजिए, डेल आईजे क्या होगा, इसको हम लोग ZJ भी बोलते, जेड आईजे भी बोलते हैं, तो इसको जेड आईजे बोलेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जेड आईजे माइनस CIJ, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं UI प्लस VJ माइनस CIJ। आपको बस यही दो काम करना है, ठीक है, ऑक्यूपाइड सेल एंड नॉन ऑक्यूपाइड सेल। ऑक्यूपाइड सेल में आपको UI प्लस VJ ए रिलेशन बनाना है, ओके, ए रिलेशन बनाना है, एंड नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए ए रिलेशन बनाना है। अब आप ऑप्टिमिलिटी कैसे चेक करोगे कि जो आपका सॉल्यूशन आया वो ऑप्टिमल है कि नहीं है, ओके, आप क्या करोगे, ये जो डेल आईजे हम निकाल रहे हैं ना, ये डेल आईजे अगर लेस देन जीरो लिया, लेस देन जीरो होगा फॉर ऑल, तब ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा मिल जाएगा, ठीक है। अगर ए लेस देन जीरो हुआ देन हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, और इस केस में क्या हो जाएगा, ऐसे ले लीजिए डेल आईजे, अगर लेस देन जीरो हुआ
ए दे देगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन, और इस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, अभी जब लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, जब लेस देन इक्वल टू हो जाएगा तब तब भी हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा, बट अल्टरनेट सॉल्यूशन भी मिलेगा हमें, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो यहां पर हो जाएगा अल्टरनेट, अल्टरनेट सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। और सेकेंड थिंग, अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है, फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत है। तो इसको बोलते हैं कि नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड वी हैव टू इंप्रूव दिस सॉल्यूशन। तो कभी कभी मैं यहां तक सॉल्यूशन दिया रहता है, बोलता है कि इंप्रूव दिस सॉल्यूशन एंड फाइंड द ऑप्टिमल कॉस्ट, ठीक है। अब एक ट्रिक बताता हूं आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम एलोकेशन है उसमें किसी एक वेरिएबल को आप जीरो मान लेना। वेरिएबल कौन सा आपके पास, जैसे यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, E1, E2, E3 दिया हुआ है, फिर V1, V2, इन सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है ना, बहुत ईजी है कैलकुलेट करना। ये इसका एजम्पशन या ट्रिक या मेथड जो भी कह लीजिए, आप इतने सारे होंगे ना, तो इसमें देखिए कौन सा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि E2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मतलब सेकेंड रो में ज्यादा एलोकेशन है। तो आप क्या करिए ना, एजम्पशन E2 को जीरो मान लीजिए, क्लियर। अब E2 को जीरो मानिए, इक्वेशन बनाते जाइए, सोल्व करते जाइए, फटाफट होते जाएगा। तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे, E2 जीरो से। अब इन दो पहले आप ऑक्युपाइड से शुरू करिए, ठीक है। ऑक्युपाइड से आपको एक कुछ वेरिएबल्स निकल जाएंगे, फिर नॉन ऑक्युपाइड पे कंडीशन चेक करना है, अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो ऑक्युपाइड से शुरू करते हैं। पहला ऑक्युपाइड फर्स्ट कॉलम में आइए, फर्स्ट रो में आइए, अच्छा फर्स्ट कॉलम से करते हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, U2 प्लस V1 इक्वल टू C21। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, U2 का हमने जीरो मान लिया है ना, तो जीरो प्लस V1 इक्वल टू C21 क्या है, 17 है। तो इधर से आपका निकल जाएगा, फर्स्ट क्या चूज करना है, जो हमने E1, E2, E3, V1, V2, V3 जिस तरह से मैंने अरेंज किया, मतलब जिस तरह से एलोकेट किया, इस टाइप से रो और कॉलम बना लेना है। इसको ईवी मेथड भी बोलते हैं, बहुत जगह आपको ईवी मेथड नाम आएगा, गेट के क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इसमें जो मैक्सिमम टाइम से आ रहा है उसको आप जीरो एलोकेट कर देना। तो आप कैसे देखोगे कि सबसे ज्यादा रो में या कॉलम में कौन आ रहा है, तो सेकंड में सबसे ज्यादा आ रहा है, सेकंड को मैंने ले लिया, U2 को जीरो पुट कर दिया। अब फर्स्ट कॉलम से शुरू किया तो U2 प्लस V1 इक्वल टू C21, तो इसको जीरो पुट कर दिया, V1 ये था और C21 क्या था, 17 था, तो पुट कर दिया, तो यहाँ पे V1 17 निकल गया। अब सेकंड में फिर से आइए, तो यहाँ से आपका यहाँ से हो जाएगा U2 प्लस, इसको देखिए 14 वाले को, V3 ये हो जाएगा 14, U2 तो जीरो था, तो V3 क्या हो जाएगा आपका 14, क्लियर। तो आप ऐसे फटाफट सभी करिए, आपको पाइड वाला प्रैक्टिस आपको करना है, मेरे को नहीं, फटाफट करिए, मेरा देखना नहीं है किसी को, अब जैसे भी उठाए। तो मैंने तो सबसे ज्यादा वाला उठाया था ना, फिर मैं थर्ड को उठाऊंगा, फिर फर्स्ट को उठाऊंगा, क्योंकि मैं तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आप या तो रो वाइज करिए, कॉलम वाइज करिए, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन से करिए। तो मैंने शुरू किया मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन से, इसलिए पहले ए उठाया, फिर सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन किस में, थर्ड में, तो इसको उठा लीजिए। तो यहां से हो जाएगा U3 प्लस क्या है, V2 ये हो जाएगा 17, फिर इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा U3 प्लस V3 ये हो जाएगा 18, और फिर फर्स्ट वाला बचा U1 प्लस V4 हो जाएगा 13, ठीक है। यहां से अभी V4 निकला था, हमारा V4 कितना निकला था, 23 आई थिंक था, V4 23 था, तो V4 23 है, तो U1 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा ना, ये तो यहाँ से, अच्छा यहीं पे लिख दें, V4 हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे देखिए ये निकला था, V4 23 था, तो U1 हो जाएगा आपका -10, कैलकुलेट करिए फटाफट आप लोग।
ओके तो अब मैं क्विकली करता हूं क्योंकि इतना काफी टाइम दे दिया। इस फिगर को मैं ऊपर करूंगा ना, तो इसलिए मैं रुका हुआ था। ठीक है, अब हमारे पास ये डाटा सेट आ गया। अब इन डाटा के बेस पे काम करना है हमें। तो हमारे पास E1 कितना आया था, E1 आ गया -10। हमारे पास था E2, हमारे पास था E3, फिर था V1, V2, V3, V4। अब देखते हैं कौन कौन निकला, कौन कौन बचा। हमारा V1 आया था 17, V2 कहाँ गया, अच्छा V2 नहीं निकला है, ठीक है। और क्या निकला था, V3 निकला था 14, V4 निकला था 23, और क्या निकला है। ओके, इनको यूज करके जैसे V3 मेरा 14 निकल गया ना, तो यहाँ से E3 निकल जाएगा। V3 कितना हो जाएगा, V3 कितना था, 14 था ना, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो आपका हो गया U3 4 हो जाएगा ना, यहाँ से U3 आपका 4 हो गया, और यहाँ से U3 4 हो गया, तो V2 निकल जाएगा। U3 4 रखेंगे तो V2 हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ से V2 13 हो जाएगा। अब बस आपको एक काम और करना है, क्या डेल आई जे को देखना है कि लेस देन इक्वल टू 0 है क्या। इतना होगा तुम्हारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, और नहीं होगा तब गड़बड़ होगा। तो मोस्टली आपको यहीं तक पूछता है गेट में, क्योंकि यहीं तक बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। पहले आप पेनाल्टी निकाल, अगर कम से कम आप वोजल्स मेथड भी यूज करते हो तो भी आपको पेनाल्टी निकाल के उतना सोल्व करना, फिर वो सोल्यूशन यूज करके यहाँ पे लाना, तो बहुत टफ टास्क हो जाता है। तो आपको इतना ज्यादा नहीं देता है, तो मैक्सिमम यहीं तक देता है कि आप यहाँ पे रुक जाए, या फिर सोल्यूशन निकाल के दिया रहेगा तब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलेगा। UI प्लस VJ माइनस CIJ, ये चीज करना था तो करते हैं। किसके लिए, नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए, आप लोग होपफुली पेन पेपर से लिख लिए होंगे। तो नॉन ऑक्यूपाइड सेल कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर इधर में ए, जिस पे जैसे जो ए ब्लू वाला लगा हुआ है ऑक्यूपाइड हो गया, और जिसमें नहीं लगा हुआ है नॉन ऑक्यूपाइड है, तो इसमें देख लेना है। तो जैसे आप क्या करेंगे, E1 प्लस V1 माइनस 21, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो ऐसी सभी के लिए करना है हमें। तभी मैं करवा रहा हूँ नॉन ऑक्यूपाइड के लिए। तो पहला में था, तो पहला लिखते हैं डेल 11 क्या हो जाएगा, U1 प्लस V1 माइनस C11। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, U1 देखिए -10 और V1 17 प्लस 7 माइनस 21। तो ये दिख रहा है, निगेटिव सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आप बस ये देख लीजिए, कहीं काम नहीं पड़ने वाला है, बस आपको लेस देन और ग्रेटर देन देखना है। ओके, तो फटाफट मैं लिखता हूं, सेकेंड थर्ड तीनों था ना, तो आपको सेकेंड ए हो जाएगा, थर्ड ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा U1 V2 माइनस C12, ये हो जाएगा 1 प्लस V3 माइनस C13। ओके, और यहां से देख के नोट डाउन कर लीजिए, यहां पे डाटा लिखा हुआ है U1 प्लस V2, U1 प्लस V2, ये प्लस 3 हो जाएगा C12, C12 कितना था, 16 था ना, ठीक है, टेबल आपके पास होगा, ये होगा लेस देन। उसी तरह U1 प्लस V3, U1 माइनस 10 प्लस V3 14, ये हो जाएगा प्लस 4 माइनस C13 कितना था, C13 25 था, ठीक है, तो 25 माइनस करेंगे तो जो भी होगा लेस देन होगा। अब तो मैं फटाफट करता हूँ, नेक्स्ट हमें निकालना था क्वेश्चन, एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे, वहां बार बार दिखाना पड़ेगा ना। U2 डेल 12 करना है ना, 18 है डेल 12, अरे 12 तो कर लिया है, 22 इधर 22, 31, 34, U2 V2 माइनस C22। अब यहां से रख लीजिए फटाफट, U2 कितना है, U2 0 प्लस V2 कितना है 13 माइनस C13 कितना है, C22 कितना है 18 था, तो ए भी निगेटिव हो गया। फिर करेंगे डेल कितना था, फर्स्ट सेकंड में आगे, तो अब 31 हो जाएगा, ठीक है 31 हो जाएगा, U3 प्लस V1 माइनस C31 इक्वल टू U3 प्लस V1, U3 प्लस V1 17 और 4 कितना हो जाएगा 21, ठीक है, और ये 31 कितना था, 32 था ना,
C31 32 था, ठीक है, और लास्ट वन बचा हमारा 34, तो ये हो जाएगा U3 प्लस V4 माइनस C34 इक्वल टू U3 प्लस V4 कितना होगा, U3 4 प्लस V4 कितना है 23, ये हो जाएगा 27 माइनस उसका कितना था 41 था, 41 लेस नहीं जो, ये सारा देखिए निगेटिव हो गया, तब यहां हम कहेंगे चूंकि हियर डेल आई जे लेस देन जीरो, अच्छा इक्वलिटी कहीं भी नहीं लगाया, स्ट्रिक्टली है फॉर ऑल आई जे, मतलब सभी वी आई वीजे के लिए निकाल लिया ना, हेंस हेंस ऑब्टेंड सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमम मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ओके। अब हमने सॉल्यूशन क्या निकाला था, हमारा सॉल्यूशन यह था ना जो एलोकेटेड था यही था, एलोकेटेड क्या है जो गिवन है तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट इज, अब यहां पे नोट डाउन कर लेंगे आप कैसे लिखेंगे इसको, एक क्वेश्चन रहा एक दो तीन चार पांच, इसी को आप नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज, अब जो भी होगा वो तो कैलकुलेशन हमने सीख ही लिया है ना, तो मैं यहीं पे करवा दे रहा हूँ, इसमें ज्यादा टाइम लेने वाली कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर सोल्यूशन कॉस्ट करे तो कितना हो जाएगा ऑप्टिमम कॉस्ट, A11 इंटू A13 प्लस इसी में आ जाए 17 इंटू 6 प्लस इधर आ जाए 14 इंटू 3 प्लस 23 इंटू 4 प्लस 17 इंटू 10 प्लस A18 इंटू 9, ओके। तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करने के बाद जो भी सम होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा ए मेथड, ठीक है, आपका होमवर्क नोट कर लीजिए, होमवर्क क्या रहेगा, इस क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट मेथड से, ए ऑप्टिमल कॉस्ट है ना 711 आया, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन 711 है, ओके। आपका होमवर्क नोट कर लीजिए, होमवर्क है इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सेकेंड लीस्ट कॉस्ट मेथड से सोल्व करना है, ठीक है, इन दोनों का आंसर देखना है, थर्ड आप अभी करिए जो वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, और आप देखेंगे वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसमें शायद नहीं भी आ सकता है, ओके। तो आप क्विकली करिए इसको सोल्व वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से इस क्वेश्चन को, आपको बस आपको सब कुछ पता चल गया है ना, मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूँ कि अभी कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले कर दूंगा, तो वो आपको होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क जो मैंने बताया वो दोनों जरूर करिएगा, और अभी के लिए इसका इसको वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से फटाफट करिए, आई थिंक आप इसको कर लेंगे, होमवर्क छोड़ देना चाहिए क्या, ठीक है।